A thin rod of length 8 by 3 is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length F. ठीक है, थीन रॉड ऑफ लेंथ ए बाई थ्री इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, फिर कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ एफ है, सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड, इसका इमेज रियल है और इलोंगेटेड है, जस्ट टचेस द रॉड, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। अब देखिए इसमें इसी से बहुत सारा चीज हमको मिल जाता है। सबसे पहले इमेज रियल है और इलोंगेटेड है, तो रियल रियल कब होता है, जब इसी साइड में होगा, जिधर ऑब्जेक्ट होगा इसी साइड में होगा तो रियल होगा और इन्वर्टेड भी होगा। इलोंगेटेड है इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट किधर है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, और तभी उसका बियॉन्ड सी इमेज बनेगा, वही इमेज इलोंगेटेड होगा। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज डिमिनिश्ड होगा। तो यह दिया हुआ है कि इट्स इमेज इज रियल एंड इलोंगेटेड, जब इमेज रियल एंड इलोंगेटेड है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन एफ एंड सी है, और इमेज उसका बन रहा है कहां, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी के और सी के बीच में। नाउ एक और क्लू दिया हुआ है कि इट जस्ट टचेस द रॉड, जो इमेज है रॉड को टच कर रहा है, और यह कैसे संभव है, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि सी और एफ के बीच में तभी होगा जब इमेज रॉड को टच कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि रॉड का एक सिरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, 2a पर है, तभी वहीं से उसका इमेज बनेगा, क्योंकि यहां से देखिए इट डज इमेज जस्ट टचेस द रॉड, रॉड को जस्ट टच करता है, इसका मतलब कि उसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वन एंड है और वहां से उसका इमेज बन रहा है। अब इसका मैग्निफिकेशन निकालना है हमको, तो सिमिलर केस है, आइए इसको हम लोग सोल्व करें। तो देखिए सबसे पहले हम इस फिगर को बनाने की कोशिश करेंगे कि हमको जो भी क्लू दिया गया है, वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है कि ये कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है कितना, एफ, राइट। ये सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग ये करेंगे, तो थीन रॉड लेंथ ऑफ रॉड क्या है, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू एफ बाई थ्री, मानो वन थर्ड ऑफ इट फोकल लेंथ, ठीक है, और फोकल लेंथ एफ है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज एफ। तो इसमें सबसे पहले हमारा और हमको एक क्लू मिल गया है यहां पर कि ये कहां पर बनेगा, इमेज हमारा कहां बनेगा, कि जो प्रॉब्लम में कह रहा है इसका ए वन एंड है, इसका वन एंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। नाउ दिस इज द कॉन्केव मिरर, दिस इज द कॉन्केव मिरर, और ये है इसका फोकल लेंथ एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, राइट। तो इसका मतलब इसका लेंथ कितना है, ए बाई थ्री, तो ये यहां पर ऐसे रखा हुआ है, इसका लेंथ है ए बाई थ्री, दिस लेंथ इज ए बाई थ्री, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक एंड है ही है इसका, राइट। तो इस रन का इसका अदर एंड क्या होगा, मान लीजिए हम लोग ये कहते हैं ये रोड है ए बी, ठीक है, तो ये तो 2f पर हो गया, ये जो ए पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, मतलब ये 2f पर हो गया। नाउ अदर एंड बी कितना पर होगा, देखिए अदर एंड बी इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ एंड बी क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू, देखिए अब यहां से यहां तक 2f है, तो दिस इज 2f, और माइनस ये कितना है, इसका लेंथ है कितना, a बाई थ्री, इसका लेंथ है a बाई थ्री, तो ये कितना हो जाएगा 2f माइनस a बाई थ्री, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 3 टू 6 माइनस f, दैट इज 5a बाई थ्री, राइट। तो ये हुआ हमारा ये एंड, यहां पर ये डिस्टेंस हो गया दिस इज 5f बाई थ्री, यहां से ये जो डिस्टेंस है एंड बी का वो है 5f बाई थ्री, राइट, यहां से पोल से ये 5f बाई थ्री पर है। अब ये देखिए हमको दोनों ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ये तो ऑब्जेक्ट सी पर है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो सी पर ही इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन ही सेम होगा, तो ये एंड तो जो ए डैश है
जो ए डैश ए एंड होगा वो तो हमारा ठीक वहीं पर बनेगा, लेकिन अब बी का इमेज देखिए, बी का इमेज क्या होगा, बी का इमेज दूसरे तरफ बनेगा, राइट, बी का इमेज बनेगा दूसरे तरफ इधर कहीं, क्योंकि बियॉन्ड सी, और तब ऑफकोर्स वो इनलार्ज होगा और ऐसे बनेगा इस तरह का, राइट, तो इसका इमेज बनेगा बी का इस तरफ है। तो सबसे पहले हमें देखिए बी का बना रहे हैं कि अगर बी का हम लेते हैं वी बी, अगर बी का इमेज डिस्टेंस वी बी है तो क्या हो जाएगा, वन बाई वी बी, राइट, अब प्लस वन बाई यू, वन बाई यू, बी का इमेज पोजिशन क्या है, माइनस फाइव एफ बाई थ्री, सो दिस इज माइनस फाइव एफ बाई थ्री, और बाई थ्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये, सो दिस इज थ्री बाई माइनस फाइव एफ, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई एफ, तो दिस इज वन बाई, और एफ कॉनकेव मिरर का निगेटिव होता है, तो ये हो गया यहां से, राइट, तब यहां से हम ये करेंगे कि वी हैव वन बाई वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई एफ, और ये देखिए उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री बाई फाइव एफ, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू फाइव एफ एलसीएम हो गया, ये फाइव टर्न हुआ, दिस इज माइनस फाइव, और ये हुआ प्लस थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू बाई फाइव एफ, तो देयरफॉर बीबी कितना हो गया, बीबी इज इक्वल टू हाउ मच, फाइव एफ बाई टू, माइनस फाइव एफ बाई टू, माइनस फाइव एफ बाई टू का मतलब ये हुआ कि यहां पर है हमारा ये इधर, दिस डिस्टेंस इज माइनस फाइव एफ बाई टू, यहां से ऐसे हो गया ये, राइट, देयरफॉर अभी देखिए सारा कुछ क्लियर हो गया हमारा, सारा कुछ क्लियर हो गया, तो मॉड वी बी माइनस मॉड वी ए दोनों लेंथ का हम डेल्टा भी निकाल रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस को ये छोड़ दें, दिस इज फाइव एफ बाई टू, राइट, दिस इज फाइव एफ बाई टू, और ये कितना होगा, माइनस टू एफ, एक एंड का इमेज तो यहीं पर है, टू एफ पर है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज ए बाई टू, दिस इज ए बाई टू, एंड देयरफॉर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा इसका, एम इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई यू बी माइनस यू ए, राइट, ये हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस, ये देखिए वी बी माइनस वी ए हम निकाले हैं कितना, दिस इज ए बाई टू, एंड ये कितना हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए, दिस इज ए बाई थ्री, यहां से हम निकाल रहे हैं, देखिए ये बाई थ्री आया हुआ है, यहां से ए बाई थ्री इसका लेंथ ही दिया हुआ है, यूए तो दिया है, यू बी माइनस यूए लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस थ्री बाई टू। इस मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ कि ये इन लार्ज इमेज तो बन रहा है, 1.5 टाइम्स इमेज बन रहा है, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, माइनस थ्री बाई टू मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ये उल्टा है और 1.5 टाइम्स है,